तरह से कितना सही वेदर हो रहा है ना, ठंडी हवा चल रही है, गर्मी भी है बट ठीक है। और मैंने सुबह सुबह उठ के सारे कपड़े धो दिए क्योंकि इसको कल निकलना है, तो इसके सारे कपड़े मैंने आज वॉश कर दिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मंचनेस में आप लोगों का स्वागत है गाइस। सो न्यू डे, ब्रांड न्यू डे, वीकेंड। सो कल हम लोगों ने गया था बाहर, तो हम बाहर जाके मूवी वूवी देखे, लंच किया, एंड लंच करने के बाद हम इतने फुल हो गए थे, इतना हैवी हो गया था लंच मेरा उसका भी, तो हम दोनों ने डिनर ही नहीं किया आके। तो ऑल दो मैं डिनर बना के गई थी, तो मैंने कोई ब्लॉग फिर वहाँ से कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि हम दोनों ही बहुत टायर्ड हो गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम बाहर 7-8 घंटे के लिए चले गए थे। तो मूवी वॉज नॉट सो गुड, उसका रिव्यू मैं बाद में देती हूँ। तो अभी मैं जो है ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, बहुत लेट हो चुका है तो ब्रंच टाइप का ही हो जाएगा, ब्रेकफास्ट तो नहीं होगा। तो आप ब्लॉग को आगे कंटिन्यू देखते रहिए। मैंने बहुत सारा काम अपना मॉर्निंग में उठ के कर लिया है, कपड़े धो लिए हैं, डस्टिंग वगैरह कर लिया है। सो अभी लंच कब बना के, लंच और ब्रंच और ब्रेकफास्ट कुछ भी बोल सकते हैं, सब बना के एंड देन फिर मैं आगे अपना कंटिन्यू करती हूँ जो भी काम है। तो उसकी पैकिंग भी करवानी है मुझे क्योंकि वो कल निकलने वाला है फॉर अ वीक। तो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज ब्लॉग, तो आप आगे देखते रहिए। ये मैं पूड़ी के लिए आटा गूंद रही थी जिसमें थोड़ा सा मैदा है और आटा है, जिसमें थोड़ा सा शुगर, नमक एंड दही एंड थोड़ी सी ऑयल दी है। इसको अच्छे से गूंद लेंगे, सॉफ्ट डो बना लेंगे, बहुत बढ़िया पूड़ी बनती है। गुड मॉर्निंग शुभा, क्या देखा है? असुर, असुर का सीरीज बच गई थी क्या? कितना देखा? कल की मूवी कैसी थी विक्की कौशल की? बेकार थी, क्लाइमेक्स बेकार था एक्चुअली, फर्स्ट हाफ अच्छा था। सो हमारा ये रेडी है आटा गूंद के, अब मुझे आलू की सब्जी बनानी है बंगाली स्टाइल में, वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। सो आटा गूंद लिया है, अभी जो नेक्स्ट काम है वो मेरे को आलू की सब्जी बनानी है, क्योंकि कल शुभ्रा ने मुझे फरमाइश किया था कि उसको बंगाली स्टाइल में लूची, मतलब फुल को लूची, ऐसे बड़ा बड़ा गोल गोल लूची एंड आलू की सब्जी खानी है, जिसमें प्याज वगैरह नहीं डलता है, काला जीरा एंड आलू प्लेन वाइट कलर का होता है वो उसको खाना है। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी उसमें, तो वो अभी बनाएंगे। सो अगर आप लोग बंगाली है तो आप लोगों को पता होगा वो चीज़। सो अभी बनाते हैं एंड फिर हम आपसे। मैं भी आशिक यार हूँ पहली बार क्लासेस क्यों नहीं देते इतने शेप आलू काटने की, सब्जी काटने की क्यों नहीं देते? ये यूं क्यों की कटे मच खंदर? सॉरी हमें नहीं आता। ऑल इवन पोटैटोस नाइसली चॉप बाय मिस्टर हस्बैंड। तो हमारी वीकेंड स्पेशल में आज हो गई है हमारी वेज सब्जी आलू की, जिसमें अनियन गार्लिक कुछ नहीं डाला है। आप ये पूड़ी के साथ अगर बनाएंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। सेवई भी मैंने लगे हाथ बना लिया, मैंने कहा वीकेंड है कुछ अच्छा होना बनना चाहिए। फिर मैंने ये आलू की सब्जी हो गई है एंड वहाँ पे सेवई भी मेरी उबल रही थी एंड अब पूड़ी बनेगी। पूड़ी भी ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनती है हमारे यहाँ पे, जो इस सब्जी के साथ खाई जाती है। मैंने सब कुछ दिखाया होगा। मैं बारिश आने लगी, सारे कपड़े उठाने पड़े, शुभ्रा जी ने सारे कपड़े उठा दिए, हमारी हेल्प कर दी शुभ्रा जी ने। डाउन लग गया अभी यहाँ पे, इसके कपड़े नहीं सूखे, इसको कल लेके जाने, रेडी होने ही वाला है। अरे
अरबी काटने में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मुझे अरबी काटने नहीं आते। गंदा अरबी, मिट्टी वाला पूरा अरबी था, पूरा अरबी काट दिया इसने, मेरी हेल्प कर दी बंदे ने, थैंक यू। इसने अरबी के पील उतार दिए, ही हेल्प मी अ लॉट। इवनिंग स्नैक्स बनाया जा रहा है। शुभ्रा क्या है ये? ये चिकन वाला था कुछ, चिकन नगेट्स। ओके, तो ये फ्राई किया जा रहा है, कोल्ड कॉफी बनाई जाएगी एंड इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा। शेफ वापस आ गए हैं अपने चॉपिंग स्किल्स दिखाने के लिए। हे शेफ। सो हमारी ये जो चिकन नगेट्स थे वो भी रेडी है, और जो ये डिप है ना ये मैं खुद बनाती हूँ, किस दिन मैं शेयर करूंगी। और ये कोल्ड कॉफी भी रेडी है, सही लग रहा है ना? सिर्फ उसके लिए बनाई है कोल्ड कॉफी क्योंकि मेरे को नहीं पीना था। ये लो चिकन राइस के टेबल के सो यहाँ पर ये अजवाइन वाली अरबी बनाई जा रही है, तो एकदम ये मसालेदार बनेगी। इसमें प्याज लहसुन ऐसा कुछ नहीं पड़ता है, बस अजवाइन का तड़का होता है और ऊपर से सारे मसाले, तो वही बनाया जा रहा है पतला पतला काट के। रोटी के साथ में अच्छी लगती है ये। सो यहाँ पर ये बन रही है, दाल बनी हुई है, आटा भी गूंदा हुआ है, तो रोटी बनेगी आज रात को। एंड उसके बाद में मुझे शुभ्रा की पैकिंग भी करवानी है क्योंकि उसको निकलना है ऑफिस ट्रिप में, तो अभी बहुत सारा काम है, तो आप आगे देखते रहिए। मैंने ब्लॉग बहुत देर बाद अभी कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि बीच में बहुत सारा घर सफाई करने लग गई थी, ये सब करने लग गई थी, तो मैं नहीं ब्लॉग कर पाई। तो अभी खाना बनाते बनाते उसके बाद में उसकी भी पैकिंग करवाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। भूख सी लग रही थी तो ये मैंने सोचा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाया जाए। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से, थोड़े ड्राई फ्रूट है। और ये कल शुभ्रा एक बिस्किट लेके आया था मॉडर्न बाज़ार से, ये लोटस बिस्किट है। शुभ्रा बोल रहा था ये अच्छा होता है, मैंने कहा ठीक है खा के देखा जाए ये कैसा है। तो हमारी ये रेडी है चटपटी कुरकुरी अरबी, अजवाइन वाली है, ये अच्छी लगती है, ये आप भी बनाना कभी किसी दिन अपने घर पर, है ना। तो हमारा ये खाना बन के रेडी है, ये कुरकुरी अरबी, मिक्स दाल एंड रोटी। हमारे मिस्टर जा रहे हैं ऑफिस ट्रिप में, ये पैक कर रहे हैं। कितने दिन के लिए जा रहे हो चक्रवर्ती? 1 वीक, बीवी को छोड़ के जल्दी आ जाना। कितनी शर्ट लेनी है? तीन शर्ट और पैंट, एक जीन्स भी ले लेते ना। ज्यादा कपड़े मतलब घूमने थोड़ी जा रहे हैं। हैप्पी जर्नी शुभा, सेफ जर्नी शुभा। आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई आने वाला है मेरे घर पे शुभ्रा के एब्सेंस में, तो वो आप देखते रहिएगा। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक दिस वीडियो। जल्दी आना ठीक है, आराम से जाना।